है, चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है, 8 बजे मतगणना शुरू हो चुकी थी और फिलहाल इस वक्त तक 5 राउंड हो चुकी हैं और मुरादाबाद से बीजेपी 43,173 वोट प्राप्त कर चुकी है, कांग्रेस से 17,886 और सपा कुल 3732 वोटों पर सिमटी हुई है, बसपा 9,095 वोटों पर है। फिलहाल भाजपा के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल 25,291 वोट से आगे चल रहे हैं। कुछ पत्रकार साथी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, फरीश शमसी न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं। फरीश जी, क्या लगता है कि आगे क्या किस तरह के रुझान रहेंगे? देखिए, अभी तक जो मुरादाबाद में मतदान हुआ है 4 मई को, उसमें जो अभी मतगणना चल रही है और जो ईवीएम खोली जा रही है या काउंटिंग चल रही है, वो उन इलाकों की चल रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। अभी जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां की ईवीएम अभी खुलेंगी, तो उसके बाद जो अभी 20-25 हज़ार का ये गैप है, ये कम होता चला जाएगा 8वें राउंड के बाद। टोटल 22 राउंड होने हैं, तो उसके बाद जो आखिर में बात करेंगे तो टक्कर कांटे की होगी। और इस बार मुरादाबाद के बारे में मशहूर रहा है कि यहाँ जब भी मुकाबला होता है तो भाजपा और सपा के बीच होता है, लेकिन 2017 में हमने देखा था कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे रिजवान कुरैशी, वो अच्छे वोट लाए थे और वो अभी भी मेयर पद के उम्मीदवार हैं। तो ये माना जा रहा है कि भाजपा की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। वरिष्ठ पत्रकार काशिफ खान हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं। काशिफ जी, अभी फरीद जी ने कहा है कि ज़्यादातर जो हमने देखा है कि सपा और बसपा इन दो में टक्कर रहती थी, इस बार अलग देखने को पड़ रहा है कांग्रेस, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा हमारे सीनियर पत्रकार हैं, मगर ऐसा नहीं कह सकते कि समाजवादी को वोट नहीं मिलेगा, समाजवादी को भी वोट मिलेगा और ऑल इंडिया मुस्लिम जो MIM पार्टी की प्रत्याशी हैं उनको भी वोट मिलेगा। और एक बात मैं साफ कर दूँ कि इस बार मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, कि विनोद अग्रवाल जीत हासिल करेंगे, क्योंकि भले ही विनोद अग्रवाल को नाराजगी की वजह से वोट नहीं मिला हो, मगर चौधरी भूपेंद्र सिंह के नाम पर उन्हें वोट जरूर मिला। लेकिन मतलब सुना है, और जहां तक एग्जिट पॉल और इन सब की बात करें, तो उसमें कांग्रेस को आगे कहा गया, आप कह रहे हैं कि बीजेपी? आप ये बात जानते हैं, हम भी मीडिया में और आप भी मीडिया में, एग्जिट पोल कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, तो बंद पेटी में किसका मत है ये तो हम और आप नहीं कह सकते, ये तो काउंटिंग के बाद पता लग पाएगा कि कौन है। मगर मेरा ये कहना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह मुरादाबाद के हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर भाजपा को वोट मिला है। अच्छा, वाजिद अली पत्रकार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। वाजिद जी, क्या लगता है कांग्रेस या फिर बीजेपी दोबारा से? यकीनन देखिए, अभी जिस तरीके से हमारे सीनियर जो पत्रकार साथी हैं फरीश शमसी, उन्होंने कहा कि अभी जो वोटिंग की जो गिनती हो रही है वोट की, वो उन इलाकों की हो रही है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है या वोट ज़्यादा है। अभी मुस्लिम बहुल इलाकों की वोटिंग